देश की राजधानी दिल्ली मिनी विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी है। अगर राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति दे देते हैं तो 6 महीने के भीतर दिल्ली में 20 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। ऐसे में आपके बागी विधायक कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर जोरदार हमला किया है। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि अगर दिल्ली में उपचुनाव हुए तो आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आपने एक आंतरिक सर्वे कराया है जिसमें ये बात सामने आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ऐसे किसी भी सर्वे से इनकार किया है। कपिल मिश्रा ने तंज कसते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को इशारों में घुंघरू सेठ भी कह दिया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि मेरा इस्तीफा मांगते मांगते 20 विधायक खो दिए घुंघरू सेठ ने। गिद्धों के मनाने से गाय नहीं मरती। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को बचाने के लिए हाईकोर्ट भी गई, लेकिन वहां भी उन्हें फटकार ही मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि जब पार्टी चुनाव आयोग के पास गई ही नहीं तो वो मामले की सुनवाई नहीं होने की बात कैसे कह सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।